राहुल, तुम्हारी छुट्टियां कैसी गई? तुमसे कोई मतलब? वैसे अभी तक तो ठीक ही था, पर अब ऐसा नहीं लगता। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी बात कान खोल के सुनो। मैं तुम्हारे जैसे कमजोर और डरपोक बच्चों से दोस्ती नहीं करता। तुम्हें तो हवा का झोंका उड़ा के फेंक देगा। तुम ये क्या बोल रहे हो? हम लोग तो दोस्त थे ना? थे पर अब नहीं। अरे मेरी बात सुनो रोहित को हमेशा राहुल पतलू माचिस की तिल्ली जैसे और नामों से चिढ़ाने लगा। एक दिन रोहित अकेले उदास बैठा था, ये देखकर प्रिया रोहित के पास आती है। क्या हुआ? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम उदास रहते हो। क्या मैं इतना कमजोर और डरपोक और दुबला पतला भी हूँ? किसने कहा? राहुल ने कहा। हाँ वो आजकल बदल गया। रोहित प्रिया को सारी बातें बता देता है। प्रिया रोहित को लेकर विद्यालय के अध्यापिका के पास लेकर जाती है और सारी बात बताती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे सारी बात बता दी। राहुल का व्यवहार कक्षा में भी बदल गया है। अध्यापिका जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त को कड़ी सजा ना दे और डांटे भी ना। रोहित, राहुल ने तुम्हें इतना तंग किया, फिर भी तुम उसके बारे में इतना सोचती हो। वाह, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे दोस्त हर किसी को मिलना चाहिए। चलो, वैसे भी तो मैं तुम्हारी कक्षा में ही जा रही थी। बहुत दिनों कक्षा के और जाने लगे। सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हो? सुप्रभात अध्यापिका। रोम रोम भाइयों। राहुल। अरे अध्यापिका कक्षा में। सुप्रभात अध्यापिका, सुप्रभात। लगता है राहुल का खाना अभी खत्म हुआ है। अरे हम कहाँ पर थे? अरे आप लोगों की छुट्टियां कैसी गई, खास करके तुम्हारी राहुल? अध्यापिका मैंने तो सिस्टम हिला डाला। चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनो जवानी सुनो। राहुल, अध्यापिका ने बच्चों को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुना जो कि सच्ची दोस्ती पर होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये दोस्ती ठीक वैसी है जैसी राहुल और रोहित की है। अध्यापिका के कहानी ने राहुल को अपने गलती का एहसास दिलाया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि एक सच्ची दोस्ती का क्या मतलब होता है। राहुल को चुप सा था, पर थोड़ी देर बाद वो रोहित के पास जाता है। रोहित, मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझने लगा था। मैं भूल गया था कि किसी को चिढ़ाना, तंग करना और उसका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होता। मैं तो तुम्हें पहले से माफ कर चुका हूँ। मुझे खुशी है कि तुम तुम्हारे गलती का एहसास किए। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। और क्या अब हम अच्छे दोस्त हैं? हम अच्छे दोस्त रहेंगे। साथ तेरा हर बात तेरी, वो किससे मुस्कुराने के, बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते हैं दिखावे के। प्रिया भी ये सब देख रही थी। ये जानकर खुशी हुई कि राहुल और रोहित दोनों ही फिर से दोस्त बन रहे हैं। अरे वाह, मैं दोनों चाहत तुम दोनों फिर से दोस्त हो गए। हम तीनों फिर मिलकर बहुत बहुत मस्ती करेंगे। दोस्ती सबसे प्यारी चीज होती है। हम लोगों को दोस्ती का हाथ पिलाना चाहिए।
चाहिए ना कि दुश्मनी का। हमें दूसरों का साथ देना चाहिए ना कि उन्हें तंग करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो। धन्यवाद। टैगोर सदन की ओर से आज आप सबके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा नाटक औरत पर होने वाले अत्याचार के ऊपर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। जमाने में औरतों पर हाथ उठाना कानूनी जुर्म है, फिर भी ऐसे कुछ घर है जिधर औरतों पर अत्याचार हाथ उठाना चलता रहता है। हमारे नाटक में एक आपको ऐसा ही दृश्य दिखाने वाले हैं। इस दृश्य में एक पति ऑफिस से आने के बाद कैसे उसके पत्नी के साथ वर्ताव कर रहा है, यह वर्ताव उनके दो बच्चे देख लेते हैं। चलिए इस दृश्य को शुरू करते हैं। अरे ये दुनिया मुझे गोल गोल क्यों दिख रहा है? अरे एक ग्लास पानी लाना। हाँ लाती हूँ। अरे इतने देर से क्या करेगी, जल्दी नहीं आ सकती हो? अरे अभी तो पुकारा और आ गई। मुझसे जबान लड़ाती है? अच्छा आओ इधर से। देखा आपने पति का पत्नी की तरफ से बर्ताव, इससे उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तो चलिए कल दोपहर का दृश्य देखते हैं। अरे जल्दी खाना लाओ। हाँ लाती हूँ। अरे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? इसमें नमक ही नहीं है, यही सीखा है उसने मेरे से। मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब मुझे क्या देख रही हो, जाओ इधर से। मेरे
खाना भी मंगवा देना। ये लो बेटा पानी, बहू तो अब इस घर में रही नहीं, अब मेरी भी उम्र हो गई है, मैं तो खाना नहीं बना सकती, अब तुम्हें ही खाना बनाना पड़ेगा। अगर मेरी पत्नी यहाँ पर होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अब चलो उसे लेकर आते हैं। डग डग डग। अरे बेटा हमें माफ कर दो, हमने जो तुम पर अत्याचार किया है वो हम कभी भी नहीं करेंगे। मुझे भी माफ कर दो, अब चलो घर चले बच्चों। उस दिन से वो सब बहुत ही खुशी से रहने लगे। बहू हमारा घर परिवार सब कुछ संभालती है, फिर भी औरतों पर अत्याचार क्यों? हम सब ये प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी भी हम औरतों पर अत्याचार नहीं करेंगे। हम सब ये प्रतिज्ञा करते हैं कि औरतों पर कभी भी अत्याचार नहीं करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। प्रस्तुत करने जा रहे हैं राहुल, एक लड़का जिसने अपनी माँ को झूठ का कपड़ा पहनाकर झूठी उम्मीदों और आशाओं के बल पर बेझिझक वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाता है। माँ ये देखो हम पहुंच गए, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो आपके नए नए दोस्त बन सकते हैं, और बस 7-8 दिन की तो बाद है, उसके बाद घर का शिफ्टिंग का काम खत्म होने के बाद मैं आपको वापस लेने जरूर आऊंगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। हाँ बेटा ठीक है, तू मेरी चिंता मत कर, अपना ख्याल रखना। और हाँ तू मुझे वापस लेने आएगा ना? हाँ माँ मैं आपको वापस लेने जरूर आऊंगा। ऑन करो, ऑन। इतना कह के राहुल अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के चला गया। अरे वाह यह जगह तो बहुत सुंदर है। नमस्ते नमस्ते जी, सब मुझे शर्मा कहते हैं, आपकी तारीफ। जी मेरा नाम श्रद्धा है, मैं बस 7-8 दिन के लिए आई हूँ। वो मेरा बेटा शिफ्टिंग कर रहा है ना, इसलिए मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। अच्छा वैसे आपका बेटा क्या काम करता है? बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। अरे उसे फोन करना तो मैं भूल ही गई। टिंग 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 टिंग। हेलो बेटा। हाँ माँ। हाँ माँ अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बेटा बस इतना पूछना था कि तू घर ठीक से पहुँच गया ना? हाँ माँ मैं पहुँच गया, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। क्या कहा आपके बेटे ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ बोलकर रख दिया। मुझे पता था। चलिए ये सब छोड़िए और जितनी जल्दी हो सके आप अपने आप को इसके अंदर डाल लीजिए, उतना ही अच्छा है। क्या मतलब है आपका? मैं यहाँ ज्यादा दिन तक रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा बेटा दूसरों की तरह नहीं है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। सालों से हूँ यहाँ, सब बहुत कुछ देख लिया हूँ आंखों में। थोड़े ये सब छोड़िए और अपना मन भजन कीर्तन में लगाइए। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह दूं, आप ना मुझसे जलते हैं क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, पर आपको तो कोई पूछता तक नहीं।
मैं भी आपकी तरह यहाँ आई थी। कुछ दिन मेहमान बनने पर यहाँ आकर सीखा कि मीठे झूठ पालने से ही अच्छा है कि कड़वे सच को अपना कर बची कुची जिंदगी खुशी से काट लूं। 15 दिन गए लेकिन अभी तक सरदा जी अपनी झूठी आस लेकर बैठी है और लगातार अपने बेटे को कॉल करके बुला रही है, पर राहुल कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देता। हेलो, हाँ मां, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। नहीं आ रहा है ना आपका बेटा? कब तक आप झूठी उम्मीद पर बैठी रहेगी? इससे तो अच्छा यह होगा कि आप सत्य को स्वीकार कर लें। वृद्धाश्रम में आ जाता है उसका यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि मेरा बेटा इतने दिन मेरे बिना कैसे रह पाया। ऐसे ही करते करते 2-3 महीने बीत गए लेकिन राहुल नहीं आया। हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना के वह नहीं आता है, पर सरदा जी अपने बेटे पर विश्वास करके अपने झूठी आशा को जताए रखते हैं। कुछ समय बाद सरदा जी की तबीयत खराब होने लगी, पर उस वक्त भी उनका बेटा ना तो उनसे मिलने आता ना उनसे बात करता। कुछ दिन बाद सरदा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फोन करे खोलो। फोन लगाओ क्या आपके बेटे को? उपलब्ध नहीं है, बोल रहा है। एक बार और ट्राई कीजिए। ट्रिंग 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 ट्रिंग, लाइन व्यस्त है। एक काम कीजिए, मेरे बेटे की तस्वीर मुझे दीजिए। चलिए मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग। जैसे ही शर्मा जी राहुल को कॉल करते हैं तो सरदा जी अपने दम तोड़ देते हैं। सरदा जी, यह पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने मेरे सामने दम तोड़ा हो। ओके, लेट्स स्टॉप, योर टाइम हैज बीन ओवर। दन की ओर से आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं जिसका शीर्षक है पढ़ो और पढ़ाओ। मैं इस कहानी में कथावाचक का किरदार निभाई हूँ।
डाकिया। कौन है? आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम क्यों बताऊं? ये जानने के लिए कि ये चिट्ठी आपके लिए है या नहीं। मेरा नाम रामलाल है। हाँ, ये चिट्ठी आपकी ही है, ये लीजिए और यहाँ पर दस्तखत कीजिए। ओहो, आपको तो दस्तखत करना नहीं आता, आप तो अनपढ़ हैं। ये लीजिए और यहाँ पर अंगूठे का निशान लगाइए। हे भगवान, ये क्या लिखा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढूं इसको। बेटा जरा इधर आना, कृपया तुम मिल ले चिट्ठी पढ़ सकते हो। अरे रुको, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं शाम को पढ़ूंगा, मेरे को सुबह दिखाई नहीं देता है। अरे भगवान, कैसे कचरा रे बेटा जरा इधर आना, कृपया तुम मिल ले चिट्ठी पढ़ सकते हो। अरे रुको, मेरे पास समय नहीं है इसे पढ़ने के लिए, मैं ये शाम को पढ़ूंगा क्योंकि मुझे सुबह दिखाई नहीं देता है। कचरा रे, एक बार बोलो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? डाकिया आया। बेटा जरा इधर आना, कृपया तुम मिल ले चिट्ठी पढ़ सकते हो। हाँ जरूर। प्यारे रामू, तुम्हारे सास ससुर। प्यारे रामू, तुम्हारे सास ससुर तुम्हें बधाई दे रहे हैं। क्या बधाई? तुम्हारी पत्नी जुड़वा बच्चों को पैदा की है यही पास वाले हॉस्पिटल में। बच्चों का आशीर्वाद मिला है, अब और एक आशीर्वाद भी प्राप्त कर लो। वो कैसे? अपने बेटे को पढ़ाओ। मैं आज थी इसीलिए तुम्हारा काम हो गया, लेकिन हर बार मैं नहीं रहूंगी, इसलिए अपने बेटे को पढ़ाओ और उसे विद्यालय भेजो। बेटा मुझे माफ़ कर दे, ये ले तेरी किताब और मैं खुद तुझे स्कूल भेजूंगा। आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। क्योंकि वो अनपढ़ है, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने लिखने में सक्षम होना चाहिए और आसपास के आश्रित लोगों को सिखाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। शिक्षा हमारी समाज की आत्मा है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। अक्षर ज्ञान बड़ा अमोल, मैं त्रिशा और मेरी मित्र अदिति आपको सादर प्रणाम करते हैं। आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य जन में एक नई सोच और उम्मीद जगाना है। तो पेश है आपके सामने शिवाजी सदन के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक नाटक, नारी अपूर्ण हो कभी परिपूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक खुशनुमी परिवार के समक्ष, जहाँ पर माता पिता अपने नवजात शिशु को घर लेके आते हैं। अरे आ गई बेटा। मेरी तो आंखें तरस गई थी हमारे नन्हे दुलारे को देखने के लिए, भगवान करे इसे मेरी भी उम्र लग जाए। अरे अरे, पहले हमें राजकुमार को अंदर तो आने दो, मुझे उसका अपनी गोदी में लेना है। अरे वाह, ये हक तो पहले दादी का होना चाहिए, बाद में दादू का। खुशियाँ ही खुशियाँ देखा जा रहा है।
कुछ दिनों बाद माता एक गहरी सोच में बैठी अपने बच्चे की ओर ताक रही थी। अरे मेरा लाला बच्चा क्या कर रहा है, क्या हुआ, किस सोच में डूबी हुई हो? क्या नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ बताओ ना। वो मेरे दफ्तर से कॉल आया था, कब काम पर वापसी कर रहे हो पूछ रहे थे। तो तुमने क्या कहा? कुछ दिनों में करूंगी कहा है। मैं सोच रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। क्या ये क्या कह रही हो, ये नौकरी है नहीं, ये तुम्हारा सपना भी था ना। अरे सही तो कह रही है बहू, बहुओं का काम ही है घर और बच्चों को संभालना, ना कि बाहर जाके मर्दों के साथ काम करना। अरे ये कैसी बात कर रही हो रोहन की माँ, बेटी और बहू में कैसा फर्क, जब तुम्हारी बेटी इसी परिस्थिति में गुजर रही थी तो तुमने उसके ससुराल वालों से लड़ पड़ी थी, और जब हमारी बहू की बारी आई तुम मुँह फेर रही हो। ये क्या हमारी बेटी नहीं है जिसने हमेशा से अपने घर और परिवार में संतुलन बनाए रखे और हमें कभी भी निराश नहीं होने दिया। आप सही कह रहे हो, मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। बेटी मुझे माफ करना, मुझे मेरी सोच पे अफसोस है, आखिर हमारे राजकुमार को मौका मिला है अपने दादा और दादी के साथ वक्त बिताने के लिए। तुम अपने काम पे बेफिक्र होके जाओ और अपना सपना जियो। यह सुन के माँ की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और वह अपनी सांस को गले से लगा लेती है। इस तरफ एक दूसरे परिवार में बच्चे के आने की खुशी में माता पिता होते हैं, पर यहाँ इनकी परिस्थिति पहले दृश्य में दिखाए हुए घर से बहुत अलग है। मेरी खुशी संभल ही नहीं रही है, आज मैं पूरी हो गई हूँ। सच में माँ बनने का एहसास बहुत ही खास होता है। माँ तो अपने मन की बात अच्छे से बयां कर लेती है, पर एक पिता अपने भी मन की बात खुद ही जानता है। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। हंसी खुशी बच्चे के किलकारियों के साथ दिन बीतते जाते हैं। जल्द ही माँ को अपने काम पे वापसी करनी थी, माँ की चिंता बढ़ रही थी। मैंने अपने एक दोस्त से सलाह ली, उसने आया रखने के सुझाव दी है। आया, इतने छोटे बच्चे को अकेले आया के साथ रखना क्या सही होगा? और कर भी क्या सकते हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है फिर। आया के आ जाने के बाद माँ अपने काम के लिए निकलती है। रीमा मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, और हाँ बच्चे का ख्याल रखना, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर। जी दीदी आप बेफिक्र होके अपने काम पर जाइए। माँ ऑफिस के लिए निकलती है, पर माँ ऑफिस पहुँचते ही माँ के ऊपर काम का भार आ जाता है। माँ अपने काम पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि माँ का पूरा मन अपने बच्चे के पास होता है। ये सब देख माँ के सहकर्मी उसकी गलतियाँ निकालने लग जाते हैं। ये सोचकर माँ अपने बॉस के पास जाती है। मैं तो रास्ते से जा रही थी, झाड़ू लगा रही थी। अरे ये कैसा बच्चा है, हमेशा सिर्फ रोता ही रहता है, परेशान कर रखा है, चुप हो तो चुप ही नहीं होता, कैसा बच्चा है। मैम मैं अपने काम पे सही तरह से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं नौकरी छोड़ना सही समझूंगी। ये तुम क्या कह रही हो, तुम जैसे होनहार और परिश्रमी कर्मचारी ऐसे कैसे कर सकता है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। फिर वो अपने घर के लिए निकलती है। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही माँ को अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है। यह सुन माँ अपने घर में दौड़ी जाती है। अरे रुक ना, कैसा बच्चा है, तू सिर्फ रोता ही रहता है, हमेशा परेशान कर रखा है। तुम्हें क्या कर रही हो, तुम ऐसे छोटे बच्चे पर कैसे टिक सकती हो? नहीं दीदी वो मैं बस चुप हो जाओ और निकल जाओ यहाँ से। आई पड़ी
अगले दिन माँ अपना इस्तीफा लेकर ऑफिस पहुँचती है, जहाँ माँ के बॉस उन्हें उसका कमरा दिखाते हैं जहाँ बच्चे के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। ये सब कुछ क्या है सर? पूजा तुम आ गई। पूजा तुमने हमारे ऑफिस के लिए इतने सालों से कितना कुछ किया है और जब बारी हमारी आई तो हम पीछे कैसे हट जाएंगे? मैं आपका किस तरह धन्यवाद करूं सर? बस जल्दी से हमारे नन्हे दुलारे को ऑफिस ले आओ, हमें उसके साथ खेलने का मौका देना और तुम तुम्हारे काम पर ध्यान देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारी के अनेक किरदार हैं, कभी बेटी, कभी बहू, कभी पत्नी, तो कभी माँ, कभी वो घर संभालती है तो कभी ऑफिस जाती है, वो अपना हर किरदार। ओके आदिति स्टॉप, आपका टाइम हो गया है। ठीक है चलो, थैंक यू। जय छद्म नारीवाद। हम अपने नाटक में कुछ इस दृश्य को दिखाने वाले हैं। स्वीटी और सुजन अपने विश्वविद्यालय के कॉफी हाउस में धूम्रपान कर रहे हैं और तभी वहां पर उनका दोस्त अभिराम आता है। वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं सुनती और यही दृश्य को सुजन के पिताजी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके बीच क्या बातचीत होती है। Hey, Susan, baby. आज फिर वो बोरिंग क्लास, बस पढ़ाई करना है और स्ट्रगल करना है। हाँ यार, पता नहीं लेक्चर्स को मिलता क्या है ये सब बोलकर। पैसा और क्या, बस स्टूडेंट्स को पकाओ और पैसे कमाओ। चल घर में जाओ। अच्छा तो सेंटी मत और चल धुआं उड़ाते हैं। अभी तुम लोग नहीं समझोगे, तुम्हें मिलता क्या इन सभी के ऊपर इल्जाम लगा कर। खुशी बोले तो हेल्थ से हैप्पीनेस। तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो? क्या लड़के पी सकते हैं तो क्या हम नहीं पी सकते? नारीवाद का नाम सुना है? देखो नारीवाद का सही मतलब जानो, ये जो तुम सब कर रहे हो ना इसे नारीवाद नहीं छद्म नारीवाद कहा जाता है। चल ज्यादा ज्ञान मत ले, इनसे बात करना है बेकार है। आज मेरा बाप आ रहा है, फिर से कुछ पैसा देगा, चार बात फेंके। देख यार ये बाप भाई पति सब मर जाती एक जैसे है, चल पार्टी तो हो पाएगा उन पैसों से। सुजन के पिताजी सुजन और स्वीटी के सारे बातचीत को सुन लेते हैं। वो बहुत ही दुखी होते हैं। दुखी होकर घर वापस जाते वक्त उनकी मुलाकात छात्रावास के गार्ड से होती है। उनके बातचीत पर एक दृश्य देखते हैं। नमस्ते भाई साहब। आप वही कॉमर्स वाली सुजन के पिता है ना? जी हाँ। क्या हुआ आप इतने उदास क्यों हैं? बेटी से मुलाकात नहीं हो भाई क्या? मुलाकात तो हुई पर सोचा नहीं था कि ऐसे मुलाकात होगी। भाई साहब वैसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो आपकी जो बेटी सुजन है वो देर रात तक बाहर घूमती रहती है और जब मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ तो बदले में सिर्फ रईसी की धमकियाँ मिलती हैं और कुछ नहीं। क्या वो अभी धमकियाँ भी देने लगी? जी भाई साहब। वाह रे मेरी फूटी किस्मत, कभी उसे किसी चीज़ों के लिए मना नहीं किया मैंने, कभी उसे लड़के में और उसमें फ़र्क नहीं देखा था और आज ये मुझे भुगतना पड़ रहा है। कोई नहीं भाई साहब, मेरी बेटी पर थोड़ा नज़र डालना। जी भाई साहब। सुजन के पिताजी घर लौट रहे थे तभी उनकी मुलाकात अभिराम से होती है। सुनिए अंकल जी, ये लो आपका कुछ गिर गया था। अरे तुम सुजन का क्लासमेट हो ना? हाँ अंकल मैं वही हूँ, क्यों क्या हुआ? आज उसके हालत देखकर मुझे उसके सामने की हिम्मत नहीं हो रही, क्या तुम्हें उसे दे दोगे? हाँ अंकल मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। ठीक है मैं उसको दे दूंगा। सुजन के पिताजी अभिराम को पैसे दे देते हैं और अभिराम उन पैसों को लेकर सुजन को देता तो है लेकिन सुजन और स्वीटी उन पैसों का गलत इस्तेमाल करके पार्टी करते हैं और देर रात वापस आते वक्त उनकी मुलाकात गार्ड से होती है। सुजन ये लो तुम्हारे पापा देने के लिए बोले थे। अरे मेरे पापा भी आए थे? हाँ और बिना मिले ही चले गए। चल ठीक है तू निकल यहाँ से, चल पार्टी करते हैं। चल
स्वीटी और सुजन प्रिंसिपल मैम के पास जाते हैं और आते वक्त उनकी मुलाकात गार्ड से होती है। क्यों लड़कियां आज फिर से पार्टी? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अरे यार आप तो बुरी तरह से फंस गए, अब क्या करें? When sweetie is here, no fear. अब देख तू मैं क्या करती हूँ। मैं तो कल प्रिंसिपल मैम को जरूर कंप्लेन करूंगा तुम्हारे बारे में। कंप्लेन करना मर्दों की फितरत नहीं, करेगा तो कोई सुनेगा नहीं। अभी भी होना उसके जश्न में नहीं और रोएंगे तो दिखेगा नहीं। चल चल बढ़िया नारीवाद के करोजे कहेंगे तुमको ये नारी खरोजे, डर तो बनता है इनके हाथ जनता है, थोड़ा रोना धोना इनका सारा काम बनता है। स्वीटी और सुजन प्रिंसिपल मैम को गार्ड के बारे में उल्टी सीधी बातें बता देते हैं। लड़कियों की बातों को जरूरी समझकर प्रिंसिपल मैम गार्ड को बुलाती है और साथ ही में सुजन के पिताजी को भी। तो चलिए देखते हैं कि गार्ड अपनी सच्चाई कैसे साबित करता है। मुझे पता था कि मेरी बात पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैंने सारी बातों को रिकॉर्ड करके रखा है। प्लीज आप सुन लीजिए। अरे यार अब क्या करें, अब तो बुरी तरह से फंस गए। अब क्या करना है, पैर पड़ो और माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए, हम मजाक कर रहे थे। अरे तुमको ये मजाक लग रहा है? गांव तुम्हारे पिता समान है। इस दोनों तुम्हारी हरकत के लिए मैं अभी तुम्हें कॉलेज से निकालती हूँ। हमें माफ कर दीजिए। प्राचार्य जी, मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आज से सुजन की सजा यह है कि मैं उसे आज से एक फूटी कौड़ भी नहीं दूंगा। अपने बलबूते पर खड़ा होकर पैसा कमाएगा और हॉस्टल की फीस भरेगा। हमें माफ कर दीजिए। स्यूडो फेमिनिज्म मतलब छद्म नारीवाद एक बीमारी की तरह फैल रही है। जल्दी से जल्द यदि इसका उपचार नहीं किया गया तो समाज के लिए यह खतरे का विषय बन सकती है। इसलिए अंत में हम आपके सामने नारीवाद के ऊपर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहते हैं। काली पब्बू चलता है, लड़के दारू चलता है, डाउरी के इल्जाम पर पैसे लूटू चलता है, हुस्न दिखाकर प्रमोशन ले लू चलता है। वैसे एक बात बोलूं, ऐसा नहीं चलता यार। कोई कहता है पढ़ नहीं पा रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, बस अब और नहीं यार। बालाजी में सोच एकता ना होती, चांद कल्पना की कल्पना ही ना होती। मेरी कौम ने अगर मुंह के बल ना पहला होता, सोच अगर झांसी की रानी वीर नहीं सती होती। बहाने बना के पीछे हटना है आसान, 21वीं सदी की नारी। अर्पिता स्टॉप करो, हो गया। बच्चा जिसने पहले से 8वीं कक्षा तक हर श्रेणी में अव्वल नंबर उसे पास किया है, उसकी जिंदगी कैसे मोड़ लेती है, चलिए देखते हैं। मम्मी देखो, इस साल मेरे 95% आए हैं। मैं 9वीं कक्षा में आ गया, अब मैं भी बड़े भाइयों की तरह फुल पैंट पहन के जाऊंगा। वैभव अपने नए कक्ष में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित और खुश था, पर उसे क्या पता था उसकी यही खुशी बाद में रोने के कारण बनने जाएगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। वाह फुल पैंट, मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह मेरा राजा बेटा, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो तू बहुत ही सुंदर है, पर इस यूनिफॉर्म में तू और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा आज तो मेरा बहुत ही तारीफ कर रहे हो मम्मी, चलो मैं चलता हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। वैभव भागते हुए स्कूल चला जाता है और बहुत मस्ती करता है। सोचता है जैसे 8वीं में अंत में पढ़कर अच्छे अंक ले आए, वैसे ही 9वीं में अंत में पढ़कर अच्छे अंक ले आएगा। अंत में जब वैभव पढ़ाई शुरू कर देता है तब उसे पता चलता है 8वीं कक्षा की तरह 9वीं कक्षा उतनी आसान नहीं है। उसे अपने आप पे ही घृणा आने लगती है, उसे लगता है वो किसी काबिल का नहीं है। जब 8वीं कक्षा का फल आता है वो सीधा 95% से 75% पे आ जाता है। उसके बाद उसके घर में क्या होता है, चलिए देखते हैं। Thank you.
है। देखो उस शर्मा जी का बेटा ने 90% लाए हैं। अगर तू ऐसा ही होता रहा तो तेरा कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा देख, इस साल 10वीं है, बस इस साल मेहनत कर ले, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। वैभव ने 10वीं में बहुत मेहनत करी। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं। वो 10वीं में 93% से पास किया। उसके घर वालों की खुशी से फूल न समाए। अरे ये लीजिए भाई साहब मिठाई, मेरे बेटे के 93% आए हैं। अरे मैडम जी नमस्ते, ये लीजिए आपका मुंह मीठा कीजिए, आपकी वजह से तो मेरे बेटे की इतना अच्छा गाय है। अरे कहाँ सर, सब तो उसी की मेहनत है, मैंने तो बस उसको पढ़ाया है। और आगे का क्या सोचा है? आगे क्या करना हो उसकी मर्जी, उसे जो अच्छा लगे वो करे। आप कैसे अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए छोड़ रहे हो? अगर आप उसको अभी से इतना छूट दे दोगे तो बाद में वो सर पर बैठ जाएगा। वैभव के पापा ये कह के घर की ओर चल दिए। घर में वैभव और उसके माँ उसके आगे के पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। मम्मी मैं ना गायक बनना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है गायक बनने की, तू IIT करके इंजीनियर बनेगा। पापा पर कुछ नहीं, तू एक बार IIT कर ले उसके बाद ऐसे। पर पापा साइंस की पढ़ाई मुश्किल होती है। कुछ मुश्किल नहीं होता, चल आज ही मैं तुझे किसी अच्छे कोचिंग में भरवाता हूँ। वैभव का हो गया अच्छे कोचिंग में एडमिशन। पूरी कायनात लग गई पूरी करने उसकी इंजीनियर सिलेक्शन। वैभव के मन में कुछ और ही था भनक। क्या हुआ जब उसके पिता को लग गई भनक? नए कोचिंग नए दोस्त, तो चलिए देखते वैभव का नया सफर कुछ दिन बाद। यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी इतने कम अंक, ये विषय ही बेकार है। भाई ऐसा मत बोल, वो टॉपर श्रेया के तो फुल अंक आए हैं। अच्छा तो मुझे एक बात बता, अगर तू एक एप्पल को हवा में छोड़ेगा तो क्या होगा? वो नीचे गिरेगा। और क्या वो नीचे गिरेगा? वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में कुछ भी हो जाएगा, कभी इंडक्टिव कभी रेजोनेंस, यार कुछ भी होता था यार। यहाँ यार कलर भी सीधे साधे नहीं होते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिमसन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। यार इसलिए केमिस्ट्री लड़की भी अच्छी होती है, कुछ भी कराता नहीं। हेलो कभी सॉल्ट एनालिसिस कभी ब्राउनिंग टेस्ट कभी टाइटेशन कभी ट्रॉडल एक्सपेरिमेंट, क्यों सो में चला जाऊंगा दामी रूम में? पता है इस सब्जेक्ट के बाद सोसाइटी का प्रेशर चालू, कब नंबर भी फोन के पूछते हैं बेटा टेस्ट कैसा गया, पढ़ाई कैसी चल रही है, बेटा तुम्हें टेस्ट में कितने नंबर आए, क्यों बता अपना मार्क, तुम अपने बेटे ध्यान देना मेरे क्यों गले पड़ रहे हो? अरे भाई क्या इंजीनियर बनेगा रे तू, शांत हो जा पहले बैठ और तुझे जो पसंद है वो कर। परेशान हो गया यार यहाँ, कभी मम्मी पापा का टेंशन, कभी पढ़ाई का, कभी फ्यूचर का, और ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर, कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। ऐसे ही हर साल बच्चे अपने सपनों को छोड़कर अपने माता पिता और समाज के डर से IIT और मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए चले जाते हैं। उनमें से सिर्फ 1-2% का ही सिलेक्शन होता है और बाकी सारे बच्चे या तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। हमेशा यहाँ हमारे सोसाइटी में जो दबाव देते हैं पेरेंट्स हो या फिर सोसाइटी, सबके दबाव को हमें रोकना होगा। कंधों को किताबों के बोझ में झुकाए, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाए। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी उड़ना चढ़ी। धन्यवाद। आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सोशल मीडिया। इस नाटक के जरिए हम युवाओं का सोशल मीडिया पर दृष्टिकोण को दर्शाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा नाटक पसंद आएगा। सुप्रभात, मैं आयुष कुमार चाहू और मैं इस नाटक में अतुल का किरदार निभा रहा हूँ। सुप्रभात, मैं अरमान और मैं इस नाटक में ध्रुव का किरदार निभा रहा हूँ।
शुभ प्रभात, मैं सुज्ञानी इस नाटक में सुवी का किरदार निभा रही। शुभ प्रभात, इस नाटक में एक रीलर वीवी का किरदार निभा रही हूँ। शुभ प्रभात, मैं कीर्ति एक रीलर इस नाटक में एक प्रिया का किरदार निभा रही हूँ। शुभ प्रभात, मैं मिलन इस नाटक में अमित का किरदार निभा। शुभ प्रभात, मैं मिलन इस नाटक में अमित का किरदार निभा रहा हूँ। हमारे नाटक में 6 दोस्तों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उनमें से 3 सोशल मीडिया के आदी हैं और बाकी सोशल मीडिया को अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला दृश्य एक ट्यूशन का माहौल है, तो चलिए देखते हैं ये 6 दोस्त क्या करते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, यह सर का कॉल था, बोले कि कुछ जरूरी काम आ गया है इसलिए आज ट्यूशन नहीं होगा, तो चलो हम सब मिलके कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। क्या यार, हमेशा पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हो। अरे चलो इंस्टा पर रील बनाते हैं। हाँ हाँ चलो, हाँ अच्छा आइडिया है, तो चलो सब मिलके बनाते हैं। सच में इस रील में तो बहुत मजा आया। हाँ हाँ, तो चलो और एक बनाते हैं। नहीं नहीं, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में बनाएंगे। हाँ हाँ सही बात है। अरे तुम इन पड़ाकुओं को छोड़ो, चलो हम रील देखते हैं। ये हुई ना बात। दूसरा दृश्य अगले दिन ट्यूशन। यार क्या पका रहा था ये मास्टर, पूरा मूड ही खराब कर दिया मेरा तो। तमीज से, वो हम सबके गुरु हैं। ये सब चीजों को छोड़ो, मौसम बड़ा सुहाना है, चलो एक न्यू रील बनाते हैं। है क्या यार, ये हमेशा रील रील लगा रखा है, इस पर बोझ है पता है ना, इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई वढ़ाई कर लो। थोड़ी ही सारे व्यक्ति पढ़ाई करके कामयाब हो जाते हैं। तुम अपना साधु वाणी अपने पास ही रखो, हमें पता है हमें क्या करना है। जब हम फेमस होके एक दिन मूवी स्टार बन जाएंगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा। थोड़े ही सारे रीलर इंस्टाग्राम पे रील बना के मूवी स्टार बन जाते हैं। कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लो, आगे के लिए काम आएगा। चलो इंस्टा पे लाइव चलते हैं। बाय गाइस, हाय लेडीज, तो कैसे हैं आप सब, हम तो रहे अपने मौज में। हाय गाइस, इट्स मी योर अमित की बेस्ट फ्रेंड वीवी, वी विद द डेविल। और मैं उसकी दूसरी बेस्ट फ्रेंड पिया, एंजल पिया। और ये है हमारे नल्ले और निकम्मे पराकु दोस्त, जिनको पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं आता। अगर इनका किताब छू लाना तो ही पढ़ेंगे। और ये देखो, चपरासी की बेटी बनने चली डॉक्टर। ए, किसी का मारा पे नहीं जाने का, देखता है वो हमारे। किताबी कीड़े को गुस्सा आ रहा है, बस करो। अतुल रुक जा, हम चलते हैं, मेरे घर में पल लेंगे। हाँ यार चलो चलते हैं। हाँ जब हम फेमस हो जाएंगे ना, तो ये खुद आएंगे हमारे पास। तीसरा दृश्य कई दिनों के बाद ट्यूशन में। यार देखो, तुम्हारा भाई फेमस हो गया। वो कैसे? एक हफ्ते में 1K यानी 1 करोड़ व्यूज है मेरे वीडियो में। अरे गधे, 1K का मतलब 1 करोड़ नहीं होता, वो 1,000 होता है। तू चुप कर, तेरे तो 100 भी नहीं आएंगे। कुछ भी जो भी हो, हम तो फेमस होके ही दिखाएंगे। वन के को 1 करोड़ बोलने वाले चले मूवी स्टार बनने। क्या बोला तूने? हाँ हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं।
यार ये लोग कितने कूल लगते हैं, काश मैं भी इनकी तरह बन पाता। क्या हुआ ध्रुव? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि मैं भी रील्स बनाना शुरू करूं। पता है ना हमने इंस्टा यूज करना किस लिए शुरू किया था? ताकि हमें अजीत सर के नोट्स, लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल्स मिल सके। और हाँ, तुम्हें पता है ना हमने कसम खाई थी कि हम इन उलझनों में नहीं फंसेंगे। ध्रुव तुम इन लोगों की बातों को छोड़ो, चलो हम रील बनाते हैं। तुम तो होशियार हो ना, दोनों कर सकते हो, पढ़ाई भी मस्ती भी। हाँ हाँ जरूर, ये हुई ना बात। चौथी दृश्य एग्जाम का माहौल है, चलिए देखते हैं किसकी तैयारी किस तरह चल रही है। यार ये दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, क्या करूं? एक काम करता हूँ, 5 मिनट के लिए रील्स ही देख लेता हूँ। वैसे भी आजकल पढ़ाई करके कौन ही आइंस्टाइन बन जाता है। हेलो गाइस, इट्स मी वीवी। के एग्जाम शुरू होने वाले और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप सबके सपोर्ट की दुआ करती हूँ, एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। हेलो गाइस, मैं आज एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। मैं एंजल प्रिया, सोशल मीडिया को अपना करियर बनाने का ठान लिया है, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज वाली मुझे। हाँ ये ठीक है। बस बहुत मजा आया, जिस सर के नोट्स और लेक्चर से हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। हाँ और खुशी की बात तो ये है, एग्जाम से पहले सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया। हाँ ये सही बात है। मैं काम करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए रील्स देखता हूँ, फिर रखूंगा। अरे ये क्या हो गया, मैंने तो सिर्फ 2 ही वीडियो देखे थे, 2 घंटे कैसे हो गया? कमाल, स्टॉप करो, हो गया आपका टाइम।